Yes. Good morning, children. Today, yesterday I gave you पहेलिया लेसन के पूरे मीनिंग पर्यायवाची शब्द विलोम शब्द वचन पर तो सब लिखा है ना हाँ? तो आज ही क्वेश्चन आंसर दिखाते हैं. टेक आउट अ न्यू पेज. टेक आउट अ न्यू पेज इन योर क्लासरूम चिल्ड्रन. न्यू पेज निकालो. आज का डेट डालो 22/1/22. आज का डेट डालो बुक्स में. कितने बेच हुए कल? कठिन शब्द शब्दार्थ पर्यायवाची शब्द विलोम शब्द वचन कर दो. 5 बेच हुए ना. तो आज डालो 6th बेच. प्रश्न और उत्तर. सिक्स्थ बेच प्रश्न और उत्तर. फर्स्ट क्वेश्चन. कोयल कोयल कहाँ गाती है? कोयल कहाँ गाती है? कहाँ गाती है कोयल? कोयल कहाँ गाती है? बागों में. गार्डन में गाती ना कोयल. बागों में गाती है कोयल. बागों में गाती है. नेक्स्ट. रेल का इंजन किस पर चलता है? रेल का इंजन किस पर चलता है? किस पर चलता है रेल का इंजन? रेल का इंजन लोहे पर चलता है. रेल का इंजन लोहे पर चलता है. रेल का इंजन लोहे पर चलता है. रेड ऑन. कोयल कहाँ गाती है? कोयल बागों में गाती है. रेल का इंजन किस पर चलता है? रेल का इंजन लोहे पर चलता है. लिखो नीटली लिखो. इसके बाद थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन लिखाते हैं. थर्ड क्वेश्चन देखो. बी
थर्ड क्वेश्चन, बादलों का रंग, बादलों का रंग कैसा होता है? बादलों का रंग कैसा होता है? उत्तर, बादलों का रंग, बादलों का रंग कभी काला, कभी गोरा, होता है। बादलों का रंग कभी काला, कभी गोरा होता है। फोर्थ क्वेश्चन, बादल बादल बरस कर क्या करते हैं? क्या करते हैं? बादल बरस कर क्या करते हैं? बादल बादल बरस कर धरती का प्यास बुझाते हैं। बादल बरस कर धरती का प्यास बुझाते हैं। देखो, बादलों का रंग कैसा होता है? बादलों का रंग कभी काला, कभी गोरा होता है। बादल बरस कर क्या करते हैं? बादल बरस कर धरती का प्यास बुझाते हैं। ये फोर क्वेश्चन होने के बाद लेसन कंप्लीटेड डालो, लेसन कंप्लीटेड डालो, नोट्स कंप्लीट हो जाए तो टेक्स्ट बुक निकालो, टेक्स्ट बुक में रचना लिखाते।
बिजली कड़कती है। गाड़ी डैश है, गाड़ी चलती है। पक्षी डैश है, पक्षी चहचहाते हैं। पक्षी चहचहाते हैं। फर्स्ट में देखो, सही अर्थ वाले शब्द के नीचे रेखा खींचो, अंडरलाइन करो। मैं वो सही शब्द क्या है मैं यहाँ पर लिखते हैं, वो शब्द के नीचे आप अंडरलाइन करो। अंबर, अंबर मतलब देखो आकाश, पृथ्वी, सागर। अंबर मतलब आकाश, आकाश के नीचे अंडरलाइन करो। आकाश के नीचे अंडरलाइन करो। नेक्स्ट, भाती, भाती मतलब बुरी लगती, गाती, अच्छी लगती। भाती मतलब अच्छी लगती। अच्छी लगती, इसके नीचे अंडरलाइन करना बच्चों, अंडरलाइन करो वर्ड के नीचे। नेक्स्ट, मन, हृदय, हाथ, वजन। मन, हृदय। नित, नित हमेशा रोना पाना। नित हमेशा। के लिखो, हो गया लिख लिए। अब थर्ड भी वाक्य में प्रयोग देते हैं, वाक्यों में प्रयोग थर्ड बिट है। बरसाता, फर्स्ट वर्ड बादल, बादल। पानी बरसाता है, बादल पानी बरसाता है। काला, काला। कौवा, कौवा काला है, काला। कौवा काला है। हरण, प्यास। पानी से, पानी से प्यास बुझता है, पानी से प्यास बुझता है। फोर्थ वन आग, आग।
आग से दूर रहना चाहिए, आग से दूर रहना चाहिए। हम सब मिलकर रहते हैं, वाक्यों में प्रयोग चुनना, पूरे 5 वाक्यों में प्रयोग दिए, टेक्स्ट बुक में 5 वाक्यों में प्रयोग है, वही 5 दिए मैं। ओके, अब लास्ट बिट पेज नंबर 52 फोर्थ बिट देखो। नीचे लिए शब्दों के समान तुक वाले दो दो शब्द लिखिए, मतलब सेम वर्ड्स, राइमिंग वर्ड्स, इंग्लिश में राइमिंग वर्ड्स कहते ना, हाँ वही हिंदी में लिखना है। बरसाता निगलता उगलता, बरसाता निगलता उगलता। सेकेंड वन काला, नीला काला, नीला काला। गाता रोता जाता। हम दम लिखो। इसके बाद देखो फिफ्थ बिट में अलग अलग आकार वाले बादल बनाकर रंग भरिए, क्लाउड्स ड्रॉ करो। यहाँ पर एक व्हाइट क्लाउड, एक ब्लैक क्लाउड, कलर करना, क्लाउड्स ड्रॉ करो। ओके, ब्लू क्लाउड, स्काई ब्लू कलर में भी क्लाउड्स रहते हैं, व्हाइट कलर में रहते हैं, ब्लैक कलर में, अलग अलग डिजाइन के कलर करके क्लाउड्स कौन से कलर में रहते हैं उसको कलर। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास। यू हैव टू कंप्लीट ऑल द क्लासवर्क में 4 क्वेश्चन आंसर दिए वो लिखना, और टेक्स्ट बुक में 4 पिक्स दिए लिख के ये ड्रॉइंग भी करना। ओके फ्रॉम दिस योर पहेलिया लेसन इज कंप्लीटेड। दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास स्टूडेंट, थैंक यू।